कोर्ट का फैसला क्या होगा इस पर भविष्यवाणी संजय राउत कैसे कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के 16 विधायक डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं महाराष्ट्र को नया। संजय राउत पागल हो गए ले, वो कोर्ट का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी का कुंबा लगातार बड़ा हो रहा है, जब अपोजिशन के लीडर भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो अपोजिशन ही क्रिटिसाइज करता है, लेकिन आपने बिहार में देखा असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जीते हुए विधायक को आरजेडी ने अपने में मिला लिया, उसकी उतनी आलोचना नहीं हुई जितनी जब दूसरे पार्टी के नेता भाजपा में आते हैं तो विपक्षी खेमे में खलबली मच जाता है। मच जाएगा, वो अभी 16 पार्टी इकट्ठा हो रही है देश में मोदी जी के खिलाफ, उनकी दशा क्या है, वो सब मिलके 60 सीट ने पा लेंगे सांसद का, लोकसभा का, और ये इकट्ठा हो रहे हैं अभी, उनकी ताकत तो वो तो कमजोर होते जाए सब पार्टी, तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। कहाँ सर सफल हो पा रहा है, टीएमसी उधर बंगाल में कह रहे हैं कि हमें किसी अपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही बैठक के बाद से तो विपक्ष का नेता नहीं सोचना चाहिए, सब कोई जो है सब अलग अलग, जो आगाड़ी में थे वही बोलते कि हम आगाड़ी में नहीं ज्वाइन हो गए। सर शरद पवार के घर इतना इतना बड़ा विफलता कैसे हुआ, शरद पवार की पूरी पार्टी खिसक गई, सब अजीत पवार के साथ चले गए। उसके बारे में अंदर की बात अभी नहीं करूँगा।